हेलो दोस्तों, आमतौर पर भारत और नेपाल बहुत गहरे दोस्त मानी जाती है, लेकिन कुछ दिनों से सीमा विवाद के कारण खराब होती दिख रही है। इंडियन और नेपाली एक दूसरे के कंट्रीज में बिना पासपोर्ट वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। नेपाल के काफ़ी लोग इंडियन आर्मी में भी है। दोनों देशों की दोस्ती हजारों सालों पुरानी है। नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने 19 मई को अपने देश की संसद में यहाँ तक कह दिया कि भारत से आया कोरोना वायरस इटली और चीन से भी ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी कीमत पे ये इलाके लिम्पधुरा, लिपुले, काला पानी अपनी सीमा में ला के रहेंगे। ऐसा नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने क्यों कहा, चलिए देखते हैं। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के लिपुलेख से मानसरोवर जाने वाले रूट का उद्घाटन किया। ये रोड 80 किलोमीटर लंबी है, जहाँ पहले 5 दिनों का रास्ता तय कर तीर्थयात्री मानसरोवर जाते थे। इसके 2 रास्ते हैं जहाँ से मानसरोवर पहुँचा जा सकता है। पहला सिक्किम के नाथुला पास से होकर तिब्बत जाते थे और दूसरा रूट नेपाल के काठमांडू होकर निकलता है। ये दोनों रूट पिथौरागढ़ के रूट से काफ़ी लंबी है। ये सड़क कई साल से बन रही थी, जिसे बॉर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। इस सड़क के बनने से उत्तराखंड का पिथौरागढ़ धारचूला हिमालय के लिपुलेख पास से जुड़ जाएगा। ये सड़क घाटिया बगर से शुरू होकर लिपुलेख पास तक खत्म होती है, जो मानसरोवर की एंट्री है। ये सड़क 17,060 फीट की ऊंचाई पर बनी है। इस सड़क के बनने से दिल्ली से लिपुलेख पास की यात्रा अब 2 दिन में पहुँचा जा सकेगा। इसका बड़ा फायदा कैलाश मानसरोवर की यात्रियों को होगा, जहां पहले 80% हिस्सा चाइना में तय किया जाता था और 20% हिस्सा इंडिया में होता था। लेकिन इस सड़क के बनने से 84% हिस्सा इंडिया से तय किया जाएगा और 16% हिस्सा ही चाइना से होगा। इससे काठमांडू की सड़कों पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुई। फिर 20 मई को नेपाल सरकार की मंत्री पद्मा कुमारी अरियल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नया नक्शा जारी किया। नेपाल के इस नए नक्शे में लिम्पधुरा, लिपुले, कालापानी को शामिल बताया, जिसमें हमेशा से भारत का कब्जा रहा है। आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री। ये पूरी कहानी शुरू होती है 200 साल पहले 1800 में। ब्रिटिशर राज कर रहे थे और ब्रिटिशर चाहते थे कि टेरिटरीज को एक्सपेंड करना। उस एक्सपेंशन के बाद चाइना के साथ ट्रेड में आसानी भी हो जाता, और उस टाइम पे नेपाल में एक किंगडम था, गोरखा किंगडम। गोरखास नेपाल में अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहे थे और अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करते करते इंडिया के काफ़ी टेरिटरीज को, जैसे सिक्किम, उत्तराखंड में अपना कब्जा जमा चुका था। ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं था और फिर 1814 में ब्रिटिशर्स ने गोरखा किंगडम पे अटैक कर दिया। उस वॉर को एंग्लो नेपालीस वॉर कहा जाता है। ये लड़ाई ख़त्म होती है 1816 में। 2 साल तक ये लड़ाई चलने के बाद ब्रिटिशर्स ने गोरखा को हरा देता है। फिर उनके बीच एक ट्रीटी साइन होती है बिहार के एक विलेज में। उस विलेज का नाम है सुगोली। ये ट्रीटी वही साइन होता है। इस ट्रीटी के कारण ट्रीटी ऑफ सुगोली का नाम पड़ा। इस ट्रीटी में ये लिखा गया था नेपाल का कौन सा एरिया ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेगा, गोरखा किंगडम कौन सा एरिया कंट्रोल करेगी। ये ट्रीटी साइन हुई थी 2 दिसंबर 1815 को और फिर रेक्टिफाई किया गया 4 मार्च 1816 में। अब देखते हैं इस ट्रीटी में था क्या। इस ट्रीटी में 2 इम्पोर्टेंट बात थी। ट्रीटी ऑफ सुगोली के अकॉर्डिंग नेपाल को सिक्किम और दार्जिलिंग के एरिया को छोड़ना पड़ा था। बॉर्डर कैसे डिफाइन किया गया था, ये 2 रिवर के थ्रू किया गया था। जो वेस्टर्न रीजन था नेपाल का, उसे महाकाली के नाम से डिवाइड किया गया था, और जो वेस्टर्न रीजन था वो रिवर माखी के हिसाब से माना गया था। जब ये बॉर्डर डिफाइन हो रही थी, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एक नया नक्शा निकाला। ब्रिटिशर्स ने अपने नए नक्शे में कुछ इस तरह से महाकाली रिवर को बताया। ये रिवर जब ऊपर की तरफ जाती है, 2 ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, फिर ये ट्रायंगुलर रीजन दिखती है। ये लिपुलेख की डिस्प्यूट एरिया है। 1857 रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया का राज खत्म हो गया देश से। फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि नेपाल को जो एरिया दिया गया था ट्रायंगुलर रीजन लिपुलेख वाला, वो एरिया ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 1816 में ब्रिटिशर्स ने एक नया नक्शा रिलीज किया। इस साइड वाले रिवर को एज ए बाउंड्री मानी गई। गोरखा किंगडम को इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये एक छोटा सा लैंड था, वहाँ पॉपुलेशन ना के बराबर था, वहाँ एसेट रिसोर्स नहीं थे। सिर्फ एक ही रास्ता जाता था, जो पिलग्रिमेज रूट था।
1860 से लेकर उसी को ही बॉर्डर मानी जाती आ रही है, जब इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटिशर राज से 1947 में, और इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद भी उसी को ही बॉर्डर कंसीडर किया जाता आ रहा है। 1960s में इंडिया चाइना के बीच वार के टाइम इंडिया अपनी मिलिट्री पोस्ट वहां पर खड़ी कर दी, तब से लेकर इंडियन आर्मी की प्रेजेंस वहां पर है। 1990s के पहले नेपाल के मोनार्की को इस अनऑफिशियल बॉर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपने मैप में इस एरिया को बाहर ही रखते थे, लेकिन 1962 के बाद इंडिया और नेपाल दोनों कंट्रीज अपने मैप्स में लिपुलेख और कालापानी रीजन को अपने मैप में दिखाती आ रही है। ये पहली बार थी जब नेपाल ने लिम्फुधुरा रीजन को अपने मैप में दिखाया। 1990 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, फिर उनके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लगा कि ये एरिया नेपाल की है, तब से ये एरिया डिस्प्यूटेड एरिया मानी जाती है। जुलाई 2000 में इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और नेपाल के पीएम बीपी कोइराला ने मिलकर इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन ये एग्रीमेंट बीच में ही अटक गया जब इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया, वहाँ से इंडियन आर्मी की प्रेजेंस नहीं हटाएंगे, फिर ये एग्रीमेंट हो ही नहीं पाया। मई 2015 को इंडिया और चाइना के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, उस एग्रीमेंट में लिपुलेख वाले रूट को मेजर ट्रेड रूट अनाउंस कर दिया गया। नेपाल के पीएम इससे नाराजगी जताई, नेपाल ने कहा कालापानी नेपाल के अंदर आता है, इंडिया और चाइना दोनों के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, इससे नेपाल और इंडिया का रिलेशन और भी ख़राब हो गया। कालापानी रीजन इंडिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? इसी रीजन से इंडिया, चाइना, तिब्बत और नेपाल तीनों के साथ व्यापार करता है। खास बात इसकी ऊंचाई है, इसी ऊंचाई के चलते इंडियन सोल्जर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है, चाइनीज ट्रूप्स के मूवमेंट को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह की डिटेल स्टडी जिसमें आपको पूरी रूट को पता चले तो इस चैनल पर मिलेगी। नीचे अगर सब्सक्राइब वाला बटन अभी रेड है तो उसे प्रेस करके ग्रे कर दीजिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, कमेंट में बताइए अपने थॉट्स। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।